चलिए गुड इवनिंग आ गए क्या सभी लोग बताएं फटाफट बताइए आ गए क्या सभी लोग स्टार्ट करें बताइए स्टार्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग मोहित सुमन फिटनेस आंसू आदित्य साक्षी सरस्वती चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी फोर्टी टू नंबर की एग्रीकल्चर की एम सीरीज जो कि एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश के हैं जिनका एग्जाम है आर का एस का असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर का और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का उनका एग्जाम आज के न्यूज में आया हुआ है छः और सात अगस्त को एग्जाम छः और सात अगस्त को ही होगी ऐसा आया हुआ है न्यूज के अंदर ठीक है आपने भी देखा होगा ठीक है ना चलिए गुड इवनिंग तो याद रखना इनका एग्जाम है तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं अगर आप हरियाणा एडीओ आई ओ का कोर्स लेना चाहते हैं ये दोनों कोर्स मात्र दो हजार रुपये के अंदर है ना तो आप ये ले सकते हैं जिसके अंदर लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियो टेस्ट सीरीज और सारी चीजें और वन बैच जिसके अंदर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो आंसर है विजय भाव बैच यूपी टी पी और छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल कोर्स आर ई ओ आर एच ई ओ दोनों का टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें स्पेशल फॉर छत्तीसगढ़ अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है अभी ठीक है अगर वो एम सी क्यू सोल्व करना चाहते हैं अभी छः और सात अगस्त को एग्जाम है ना छः सा और सात अगस्त को एग्ज़ाम है तो इनके लिए जो एम सीरीज़ है पाँच हज़ार एम देख लेना आप वीडियो जिस पर आपको डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं एक महीने के लिए जिसको लेना है वो मेरे को बता दें ठीक है ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अगर जिनको एग्जाम देना है पंद्रह बीस दिन के अंदर रिवीजन करना है अच्छे से पढ़ना है तो आप ये बिल्कुल लीजिए आपको यहाँ पर ट्वेंटी पाँच सौ रुपये की है बीस परसेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो आप ये ले सकते हैं जिसके अंदर आपको लगभग पाँच हज़ार एम सी विद वीडियो मिल जाएंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं ना गुड इवनिंग चलिए बताइए पहला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एलगी साइनोबैक्टीरिया में कितने ठीक है फ्लेजिला होते हैं हिंदी में क्या है कि साइनो बैक्टीरिया में कितने फ्लेजिला होते हैं कितने फ्लेजिला होते हैं फ्लेजिला होते हैं आपको बताना है साइनो बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम कहते हैं कि नहीं ब्लू ग्रीन एल्गी में कितने फिलिजिला होते हैं ठीक है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर कितने फलिजिला होते हैं फटाफट बताइए ब्लू ग्रीन एलगी में कितने फिलेजिला होते हैं ना साइनोबैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एलगी है ना नील हरित शहवाल जो होती है ना ब्लू ग्रीन एलगी का ही दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया ठीक है ब्लू ग्रीन एलगी का ही दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया तो फटाफट बताएं ठीक है फटाफट पड़ बताइए ठीक है? साइनो बैक्टीरिया तो यहां पर आ रहा है बेकाश जीरो आशु गुर्जर ए खुशराज ए बताइए फिटनेस फ्रैंक, तो फटाफट देखो है ना जीरो आंसर क्या है जीरो, है ना? ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है साइनोबैक्टीरिया जो होती है वो है ना याद रखना नॉन फ्लेजिलेटेड होती है ना ये नॉन मोटाइल है क्या है नॉन मोटाइल एक प्रकार से है ना मतलब नॉन फ्लेजिलेटेड होती है इसमें कोई भी फ्लेजिला नहीं होता ठीक है क्लियर है नो no नॉफ्लेजिला ये क्या है नॉन फ्लेजिलेटेड होती है क्लियर है नॉन फ्लैजलेटेड क्लियर है इसके अंदर इसकी जीवन चक्र में कोई भी फ्लेजिला वाली स्टेज नहीं होती याद रखना वन टू जीरो कुछ भी नहीं सिर्फ जीरो याद रखो क्या याद रखोगे जीरो एक भी फ्लेजिला नहीं होता ठीक है चलिए जीरो आंसर आएगा बिल्कुल है ना क्लियर है ब्लू ग्रीन एलगी कहते हैं देखो तो ब्लू ग्रीन एल्गी ही वो प्रकृति का पहला ऐसा जीव है जिसने फोटोसिंथेसिस किया ना जिसने ऑक्सीजेनिक फोटो किया जिसने ऑक्सीजेनिक फोटो किया वो फर्स्ट ऑर्गेनिज कौन है ब्लू ब्लूग्रीन एलगी पृथ्वी का वो पहला ऐसा जीव कौन सा है पृथ्वी का पहला ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जिसने ऑक्सीजेनिक फोटो किया है कि जिसके फोटो से पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुई है वो कौन है ब्लू ब्लूग्रीन एलगी कौन है ब्लू ग्रीन एलगी चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे ठीक है रिपीट हो गया क्या चलिए टाइप ऑफ रिलेशन ठीक है टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन एसिडोवेक्टर ठीक है डाइजोट्रोपकस एंड सुगर कैन फटाफट बताइए ठीक है एक बार लिंक को शेयर कर और सेशन को लाइक कर दें फटाफट बताइए भाई

एसिटोबैक्टर और शुगर के किस बीच किस प्रकार का संबंध होता है सिम्बायोटिक होता है एसोसिएटिव होता है एंडोफाइटिक होता है या फ्री लिविंग होता है फटाफट बताइए अच्छा क्वेश्चन है किस प्रकार का संबंध होता है फटाफट बताइए टाइप ऑफ रिलेशन है ना किस किस के बीच तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो एंडोफाइटिक होता है याद रखना क्या होता है एंडोफाइटिक मतलब ये जड़ों के है ना बिटवीन द सेल क्या होता है सेल के बीच में है ना एंडोफाइटिक मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट बिटवीन द सेल ठीक है बैक्टीरिया प्रेजेंट ठीक है बिटवीन द सेल सेल के बीच में है ना प्लांट के अंदर रूट के अंदर जनरली रहता है और सेल के बीच में रहता है कहाँ रहता है सेल के बीच में रहता है याद रखना एंडोफाइटिक होता है ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आंसर नहीं आएगा सिम्बायोटिक नहीं किस प्रकार का संबंध होता है एक प्रकार का एंडोफाइटिक यहाँ पर याद करेक्ट आंसर ये है क्या है करेक्ट आंसर सी आएगा एंडोफाइटिक होता है चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बाम का एग्जाम्पल क्या है में से कौन है ना बाम जो होता है वेस्कुलर ठीक है अरवेस्कुलर माइकोराइजा है ना माइकोराइजा आपको बताना है कि बाम जो बनाती है आपको पता है माइकोराइजा है, क्या है माइकोराइजा जो कि एक प्रकार की फंजाई प्लस प्लांट रूट है ना रूट जो होती है रूट्स ऑफ प्लांट हायर प्लांट की जड़ों के बीच का संबंध होता है माइकोराइजा क्या होता है माइकोराइजा होता है याद रखना माइकोराइजा क्या होता है तो माइकोराइजा फंजाई प्लस रूट्स ऑफ द हायर प्लांट के बीच रिलेशनशिप होता है क्लियर क्लियर है तो आपको बताना है बाम जो है यहाँ पर कौन आंसर आएगा कॉम एस बी नान सिंह राडे सी आंसर यस नकुल पांडे बिल्कुल टाइम से एग्जाम होगी ना पांडे जी बी आंसर बताइए आपको बताना है यहाँ पर ग्लोमस का एग्जाम्पल क्या है कौन सी फंजाई जनरली बॉम बनाती है फंजाई है जनरली कौन सी फंजाई बॉम बनाती है ग्लोमस अनिल मेवाड़ा सी आंसर कुशराज सी आंसर फिट सी सिमरन बी रितेश सी प्रियांशी दोबे बी इसके बाद ग्लोमस पुतिन बिल्कुल तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी करेक्ट आंसर क्या होगा ग्लोमस याद रखना ग्लोमस जो फंजाई होती है ये बनाती है बाम क्या बनाती है बाम बनाती है ठीक है थोड़ी है ये तो क्या बनाती है रोट रोट है ना ये तो क्या करती है रोट करती है सड़ाने का काम ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका बहुत शानदार क्वेश्चन अच्छा मतलब क्या होता है एसोसिएटिव का मतलब ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें क्या होता है साथ में तो रहते हैं लेकिन ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं होता ठीक है ना पति पत्नी जैसा संबंध ठीक है कि नहीं भाई साथ रहते हैं कभी कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते ऐसा एक होता है लिविंग रिलेशनशिप वाला शादी से पहले वाला संबंध है ना आपने देखा होगा व्यक्ति को कितनी केयर करता है तो ये होता है एसोसिएटिव संबंध ये सिर्फ मजाक के तौर पर है ना सीरियसली ना ले ऐसे समझने के लिए एसोसिएटिव में साथ तो रहते हैं लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल कोई नहीं होता ठीक है अब बताओ ये है आपके लिए शानदार क्वेश्चन क्योंकि ये है मौसम बरसात का तो लोगों को इनमें से डिमांड होगी ना किसी को ना किसी को इनमें से इनकी डिमांड होगी है ना किसी को बिस्की लगती होगी किसी को रम लगती होगी किसी को ब्रांडी किसी को बोट का तो आपका ध्यान रखते हुए है ना बारिश का ध्यान रखते हुए आपका ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन लाया गया है क्या बताइए आप फटाफट गुड इवनिंग साक्षी क्या आंसर होगा क्यों ये बिस्की कैसे बनती है जो लोग बिस्की पीते हैं रम पीते हैं ब्रांडी पीते हैं बोर्ड का अब बताइए कौन किससे बनता है तो क्या आंसर आएगा अनिल मवाड़ा बी आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर फटाफट बताएं भाई लिंक शेयर कर दो लिंक को शेयर करें ठीक है देखो तो आंसर बी सही है ना देखो क्या होता है विस्की जो बनाते हैं ग्रेन से बनाते हैं रम जो होता है मोलासिस से बनाते हैं ब्रांडी जो है शुगर अपने ग्रेप बाइन से बोर्ड का पोटैटो से तो आंसर आएगा बी ये वाला है ना याद रखना ये आंसर आएगा क्या क्लियर ठीक है तो आंसर है विस्की जो है ग्रेन मेस रम जो है मोलासिस ब्रांडी जो है ग्रेप वाइन और बोर्ड का है पोटैटो ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन एनिडेशन क्या होता है फटाफट बताऊँ व्हाट इज द एनिडेशन ठीक है फटाफट बताइए एनिडेशन क्या है लेग्यूमिनस इफेक्ट है एक प्रकार का एलेलोपैथी है एक प्रकार की कॉम्पिटेटिव इंट्रेक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रेक्शन है एनिडेशन क्या है एनीडेशन क्या है फटाफट बताइए एनीडेशन क्या होता है लेग्युमिनस इफेक्ट होता है एलोपैथी है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है या है ना कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन होता है व्हाट इज द एनीडेशन एनीडेशन क्या है फटाफट बताएं और लिंक को शेयर कर दो भाई एग्जाम आ गई है ना ज्वारेच को आर्य योग्य है ना एसएसडी और जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ठीक है बताइए एनीडेशन क्या है तो एनीडेशन क्या होता है जो इंटरक्रोपिंग सिस्टम है दो फसलें जो साथ लगाते हैं ना इन इंटरक्रोपिंग सिस्टम इट इज़ द कम्प्लीमेंट्री इंट्रेक्शन मतलब दोनों फसलें एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाती हैं दोनों फसलें जो होती हैं बोथ क्रॉप्स आर ठीक है क्या होती है एक दूसरे को क्रॉप्स आर बेनिफिशियल टू अदर तो इट इज़ द कंप्लीमेंट्री इंट्रेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है जिन दो फसलों को हम इंटरक्रॉपिंग में लगाते हैं इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है कैसा जो दूसरे को एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है क्लियर तो है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन तो आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन क्या होता है एनिडेशन जो आपने पढ़ा होगा एनिडेशन एक टाइमर होता है टाइम टेम्पोरल एनिडेशन का आप एग्जाम्पल बता सकते हैं टेम्पोरल एनिडेशन का एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है टेम्पोरल एनिडेशन का एग्जाम्पल क्या है आप मुझे बताएंगे टेम्पोरल एनिडेशन का एग्जाम्पल क्या होता है और दूसरा ठीक है स्पेशल एनिडेशन ये कहाँ दोनों कहाँ फॉलो होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ठीक है स्पेशल एनिडेशन कहाँ होता है टेम्पोरल एनिडेशन कहाँ होता है फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में हिंदी मीडियम एनिडेशन को हिंदी में एनिडेशन ही कहते हैं कंप्लीमेंट्री एक प्रकार का ऐसा इफेक्ट जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है ठीक है बताइए फटाफट बिल्कुल ध्यान रखेंगे कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा कि एनिटेशन क्या है तो एनिटेशन एक प्रकार का कंप्लीमेंट्री क्या होता है ऐसा संबंध जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है ठीक है तो ये दो प्रकार का होता है एक समय के साथ और एक जगह के साथ स्पेस के साथ है ना तो जो समय के साथ होता है ठीक है क्वेश्चन एनिटेशन ही है क्वेश्चन है ही नहीं कुछ क्वेश्चन यही है एनिटेशन क्या है अब इतना इन, आना चाहिए इंग्लिश इतनी इंग्लिश आना चाहिए

ये फॉलो होता है टेम्पोर एनिडेशन में स्पेशल होता है मल्टी है ना मल्टी स्टोट क्रोपिंग मल्टी स्टोट क्रॉपिंग जो होती है मल्टी स्टोट ठीक है वहां पर होता है बिल्कुल है ना स्पेशियल एनिडेशन जो है वहां पर बिल्कुल चलिए फटाफट शेयर कर दें है ना एक बार चलिए वेट टिलेज में क्या होता है, है ना वेट टिलेज मतलब जब खेत गीला होता है ठीक है खेत गीले में अगर आप जुताई कर दो है ना वेट टेलेज का मतलब होता है गीले खेत में अगर आप है ना ठीक है बस इतने में काम काम हो हो जाना चाहिए चाहिए अपना अपना थोड़ी बहुत आना इंग्लिश जिससे जाए चलिए अगला बताना वेट मतलब जब हम मिट्टी गीली रहती है उस समय अगर हम टेलेज ऑपरेशन करते हैं उस समय अगर टिलेज ऑपरेशन करते हैं ठीक है उस समय अगर हम क्या करते हैं टिलेज करते हैं वेट टलेज मतलब जब मिट्टी गीली रहती है वेट है ना जब गिल तो उस समय क्या होगा मिट्टी में है ना क्या होगा द सोल स्ट्रक्चर क्या सोल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा इंप्रूव सोल स्ट्रक्चर क्या सोल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा द सोल स्ट्रक्चर ठीक है यहां पर है ना एक सोल स्ट्रक्चर आएगा यहां पर है ना स्ट्रक्चर आएगा ठीक है ये चारों जगह टेक्सचर लेगा यहाँ स्ट्रक्चर आएगा स्ट्रक्चर कर लो उसको अब बताइए है ना ठीक है अब बताइए ये दोनों टेक्सचर टेक्सर ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने सुधार दी संरचना क्या है ना मिट्टी का क्या होता है टेक्सचर खराब हो जाएगा टेक्सचर बढ़ जाएगा स्ट्रक्चर संरचना है ना खराब हो जाएगी संरचना बढ़ जाएगी क्या होगा ठीक है क्या टेक्सचर डिस्ट्रो हो जाएगा क्या होगा टेक्सचर डिस्ट्रो हो सकता है क्या नहीं तो आंसर सी होगा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा टेक्सचर तो वही रहेगा ना सेंट के लिए सिल्ट के लिए भाई वो तो भाई उनका प्रोपोर्शन चाहे मिट्टी गीली हो हो सोल टैक्सर इन प्रॉपर्टी सोल टैक्सर तो कभी बदलता ही नहीं है सुन लो क्या सोल कभी बदलता है नहीं बदलता सोल टैक्स प्रॉपर्टी एक गुण होता है जो बदल नहीं सकते आप किसी भी प्रकार से तो ये आंसर नहीं हो सकता तो आंसर क्या होगा कि मृदा की, की संरचना बदल जाएगी यह लो क्या मृदा की संरचना बदल जाएगी क्या मृदा की संरचना बदल जाएगी क्या बताइए क्या मृदा की संरचना बदल जाएगी क्या फटाफट टेक्सचर टेक्सचर है है ना बिल्कुल तो आंसर आंसर क्या होगा आंसर होगा सी संरचना ना संरचना बदल जाएगी गीली मिट्टी के अंदर चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है सनफ्लावर ऑयल रिकमेंडेड फॉर हर्ट पेशेंट आपको पता है सफोला सूरजमुखी का तेल है ना हृदय रोगियों के लिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि उसके अंदर हाई परसेंटेज ऑफ द Fatty acid होते हैं, हैं, हैं? हैं, है ना? आप जिसको हम पूफा कहते हैं, क्या कहते क्या पाए जाते हैं, तो भैया कौन सा अं पाया जाता है? बताइए आप, कौन सा अं है ना? उसके अंदर फैटी एसिड पाया जाता है असंतृप्त बसीए अम्ल कौन से पाए जाते हैं कौन सा पाया जाता है वो जिसको हिंदी में कहते हैं असंतृप्त बसीए अम्ल है ना क्या कहते हैं असंतृप्त बसीए अम्ल है। बताइए कौन सा असंतृप्त बसी हमने सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है फटाफट बताएं एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें कौन सा सी या डी इन दोनों में से एक आंसर होगा सी या डी डी आंसर होगा ना याद रखना लिनोलिक एसिड ठीक है ये होता है लिनोलिक ये वाला डी आंसर लिनोलिक एसिड डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा क्या होगा डी आंसर ठीक है डी आंसर होगा चलिए अगला आपको बताना है द स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू हायर प्लांट मतलब मृदा की मृदा का अध्ययन ठीक है किसके साथ में पादपों के साथ में, में? हायर प्लांट को ध्यान में रखते हुए अगर हम सोइल की स्टडी करते हैं तो इसे क्या कहते हैं स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू हायर प्लांट है ना मृदा का संबंध किसको ध्यान में रखते हुए तो आंसर है हायर प्लांट को ध्यान में रखते उच्च पादपों को ध्यान में रखते हुए मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है भाई लिंक शेयर नहीं कर रहे आप एक बार लिंक शेयर कर दें फटाफट बताएं क्या कहलाता है क्या कहलाएगा क्या है ना स्टडी ऑफ सोइल इन रिलेशन टू प्लांट ठीक है मृदा का अध्ययन करना है आपको किसको ध्यान रखना हायर प्लांट को ठीक है तो क्या होगा आंसर एडेफोलॉजी या पीडोलॉजी क्या आंसर होगा तो आंसर है सी एडेफोलॉजी क्या है एडाफोलॉजी होता है कि नहीं अरे में तो हम क्या करते हैं बैरियस प्रॉपर्टी का अध्ययन एडाफोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ द बैरियस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू रिलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ कि भाई मिट्टी के अंदर जो बैरियस प्रॉपर्टी होती है जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं उन सभी प्रॉपर्टीज का है ना प्लांट की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है उन सभी प्रॉपर्टीज का जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो ये जो प्रॉपर्टीज होती है उन प्रॉपर्टीज का प्लांट की ग्रोथ पर क्या प्रभाव पड़ता है ठीक है तो उसे क्या कहते हैं एडाफोलॉजी कहते हैं क्या कहते हैं एडाफोलॉजी देखो पीडोलॉजी के अंदर क्या होता है जनरली पीडोलॉजी के अंदर हमको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है पीडोलॉजी के अंदर हमको प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है हमको मतलब है इस मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है मीन्स ओरिजन ऑफ सॉइल हम स्टडी करेंगे ओरिजन ठीक है किसकी बात करेंगे ओरिजन ऑफ रॉक्स सॉरी ओरिजन ऑफ सॉइल कि सॉइल का निर्माण कैसे हुआ है उसका क्लासिफिकेशन क्या है हमको कोई लेना देना नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है ठीक है पीडोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है कि उस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है किन से हुआ है उसका वर्गीकरण क्या है वो सब चीज़ों का अध्ययन करना होता है पीडोलॉजी ठीक है क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन निर्माण कैसे हुआ वो सारी चीज़ें हमको ये लेना कतई मतलब नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है फसल में उत्पादन हो या नहीं हो तो जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना सिविल इंजीनियर जिनको हाईवे बनाना है जिनको रेलवे ब्रिज बनाना है पुल बनाने हैं तो उनको भी मिट्टी का अध्ययन करते हैं कि बारिश के बाद यहाँ पर जो मिट्टी है, हो सकता है अपन ने जो पुल बनाया है धसक ना जाए बारिश के बाद ये पुल की संरचना ना बदल जाए स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो जाए तो पीडोलॉजी का अध्ययन करते हैं सिविल इंजीनियर्स ठीक है ना और एग्रीकल्चर वालों को मतलब है हमको क्या मतलब की मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है किसानों को मतलब मिट्टी की प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए मिट्टी में क्या होना चाहिए एनपी के कंटेंट वगैरह प्रॉपर्टी अच्छा होना चाहिए है ना तो फार्मर को क्या होना चाहिए मतलब किससे है हमको मतलब क्योंकि क्यो, हमको क्या चाहिए उत्पादन अपने को क्या चाहिए उत्पादन अरे सुनो हमको मतलब थोड़ी है कि, कि चट्टान से बनी बनी होगी किसी भी चट्टान से अपने को किससे मतलब है अपने को मतलब है भाई एडलोजी है ना चलिए क्लियर यहां तक सभी को बताएं अरे सुनो फटाफट बताइए क्या क्लियर यहां तक सभी को एनी डाउट चलिए लिंक को शेयर कर दे चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएंगे द एवरेज फर्टिलाइजर यूज रेस ऑफ एनपीके इन इंडिया फटाफट बताइए द एवरेज एवरेज फर्टिलाइजर यूज रेस ऑफ एनपी के इन इंडिया भारत के अंदर एवरेज है ना एनपी के फर्टिलाइजर बताना है सचिन सिन्हा गुड इवनिंग रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव फिज इतन कौन सा आंसर दे रहा है अच्छा सॉरी नाइन नंबर का आंसर है ना सॉरी ये गलती से चला गया ना चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन बताना आपको उसको छोड़िए आप इसको बताइए वो आगे चला गया था गलती से है ना बाई मिस्टेक है ना एक स्लाइड आगे चली गई थी इसको बताइए ठीक है नाइन का बताना पहले आपको नाइन का आंसर बताना है वो गलती से भाई मिस्टेक स्लाइड आगे चली गई थी दो बार है ना पिन हो गया था द पीरियड फ्रॉम पैनिकल इनिशिएशन टू इट्स इमरजेंस ठीक है क्या बताना है द पीरियड फ्रॉम पैनिकल इनिशिएशन टू इट्स इमरजेंस एंड राइस स्टर्म कौन सी अवस्था बोलेंगे पैनिकल इनिशिएशन स्टेज राइस में कौन सी अवस्था होती है पैनिकल इनिशिएशन राइस में क्या लेग फेज होती है क्या है ना जो पकने वाली अवस्था राइपनिंग स्टेज होती है क्या प्रजनन वाली है ना प्रोप्रोडक्टिव अवस्था होती है क्या कायिक का अवस्था होती है कौन सी होती है तो भाई देखो पेनिकल मतलब क्या होता है पेनिकल मतलब एक प्रकार से पुष्प का निकलना इन्फ्लोरेसेंस का निकलना अरे या ना पेनिकल का मतलब क्या होगा फ्लोवर का इमरजेंस होना इन्फ्लोरसेंस का आना तो एक प्रकार की किस अव तो क्या है ठीक है रिप्रोडक्टिव फेज होगी प्रजनन अरे फ्लोवर का इन्फ्लोरोसेंस तो होता है पैनिकल इन्फ्लोरोसेंस का मतलब फ्लोवर निकल रहा है आपका तो ये क्या है कौन सी अवस्था होगी तो आंसर है रिप्रोडक्टिव प्रजनन वाली अवस्था होती है चलिए अब बताना क्वेश्चन नंबर टेन चलिए द एवरेज फर्टिलाइजर यूज रेस ऑफ एन के इन इंडिया भारत के अंदर एवरेज फर्टिलाइजर एन को कितना है ये नहीं बताना कितना होना चाहिए आपको बताना कितना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो बताना कितना है ये नहीं बताना रिकमेंडेड आइडियल कितना है ये नहीं बताना आइडियल कितना आपको बताना ये कितना है इम्बेलेंस जो होता है भाई ऊपर नीचे हो रहा है एस गुप्ता मेडिसन बिल्कुल गुड इवनिंग ठीक है नहीं लोक फेज नहीं होती है ना लोक फेज पहले कंप्लीट हो चुकी है ना उसकी ग्रोथ तो हो चुकी है एक बार अब इससे ज़्यादा ग्रोथ क्योंकि देखो मैचुरेशन के बाद कुछ ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है प्लांट में बाली आने के बाद कुछ ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है तो लोग इसलिए नहीं हो सकता टेन का आंसर क्या आएगा बिल्कुल बी आएगा टेन का आंसर क्या आएगा ए नहीं आएगा बी आंसर होगा ना ये है इंडिया के अंदर एवरेज सेवन पॉइंट थ्री थ्री वन होना चाहिए ये आइडियल है इतना होना चाहिए ना आइडियल एन पी के जनरली सीरियल के लिए आपने पढ़ा होगा ये है कि नहीं आइडियल इतना होना चाहिए लेकिन है कितना सेवन पॉइंट थ्री थ्री वन चलिए क्वेश्चन नंबर एलेवन आपको बताना है द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया हरित क्रांति शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया फटाफट बताइए क्रांति शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कोइ वाई नॉर्मनी बोर्लो विलियम गोड कुरियन एम एस स्वामीनाथन बताइए फटाफट बताएं लिंक को शेयर करते रहें और कौन है गोड जी भगवान जी बिल्कुल है ना विलियम गोड ठीक है भाई हरित क्रांति जो है ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसके द्वारा दी गई थी विलियम गोल्ड ये फादर है वर्ल्ड के है कि नहीं ये वर्ल्ड के फादर हैं ये भारत के हैं ये इंडिया के फादर हैं है ना कि ये कहाँ के हैं ये दुनिया भर के पिता है फादर वर्ल्ड के और ये इंडिया के हैं और टर्म किसने दी थी विलियम गोल्ड के द्वारा ठीक है बिल्कुल भी है ना एक एवरग्रीन टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसने दी एवरग्रीन एक होता है एवरग्रीन नाम सुना कभी एवरग्रीन रेगुलेशन नाम सुनाएगा आपने कभी एवरग्रीन रेगुलेशन एवरग्रीन रेगुलेशन टर्म इज बाय एवरग्रीन रेगुलेशन टर्म जो है किसके द्वारा इसके रिलेटेड व्यक्ति बताएं आप एवरग्रीन रेगुलेशन फटाफट बताइए एवरग्रीन रेगुलेशन स्वामीनाथन जी एम एस स्वामीनाथन है ना बिल्कुल स्वामीनाथन जी आप जानती हो वाइट रेगुलेशन बर्गीज कुरियन है रिलेटेड टू वाइट रेगुलेशन है कि नहीं रेगुलेशन ठीक है एम एस स्वामीनाथन के बारे में आपको मालूम होगा फॉर्मर आई पी एस ऑफिसर है क्या आपको मालूम है स्वामीनाथन प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स एंड फॉर्मर आई पी एस यूपीएससी क्वालिफाइड है बहुत कम लोगों को पता है एग्रीकल्चर में एम एस स्वामीनाथन यूपीएससी आईपीएस पी एस क्वालिफाइड है ना एम एस सी प्लांट जेनेटिक्स पी एच डी है इसके बाद यू पी एस सी क्वालिफाइड है लेकिन करना क्या है अच्छा नहीं अपने यहाँ नहीं अपने यहाँ नहीं चलेगा किसी दूसरे कोचिंग में चलेगा आज पता चला क्या यूपीएससी क्वालिफाइड है आप कभी पढ़ना उनके बारे में यूपीएससी आईपीएस एक साल की जो है आईपीएस की चलिए और ये है ना ये याद रखो ये प्लांट ब्रीडर नहीं है ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट है एक बात ध्यान से सुनो ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट है ना भाई प्लांट पैथोलॉजिस्ट है नॉर्मनी वालों ठीक है क्या है प्लांट पैथोलॉजिस्ट ठीक है

सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑफ द है ना? लिंक शेयर करते चलो या yeah, शांति के लिए बिल्कुल है ना? पीस के लिए मिला था बताओ जी सी हाइड्रो है आपस में कनेक्ट होते हैं, सिंगल हाइड्रोजन बोंड डबल हाइड्रोजन मोड ट्रिपल हाइड्रोजन मोड और दी एडीए का इंटरव्यू है ना आ तो क्या शेड्यूल ए का इंटरव्यू तीन से लेकर पाँच अगस्त के बीच में है देखो ए ए का इंटरव्यू मैं नहीं करा सकता क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं उसका जो एग्ज़ाम का मैंने दिया नहीं तो वो स्टूडेंट मेरे पास आएगा नहीं बोला सर आपने नहीं, नहीं दिया इसका तो कभी हाँ इससे पहले देखो हर एग्ज़ाम का इंटरव्यू तैयारी कराता हूँ मैं और मैं भी ए की मैं खुद भी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई इतनी बड़ी जॉब है तो बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले सारी चीज़ सही मिले उसको है कि नहीं भटके ना इतनी बड़ी जॉब है तो जो स्पेशल होते हैं पीएससी वाले जो लोग कराते हैं आप उनके पास करिए बिल्कुल जो लोग पीएससी की इंटरव्यू पर आते हैं ना एम पी की उनके पास आप बिल्कुल कर सकते हैं चलिए ट्रिपल हाइड्रोजन बोंड ट्रिपल हाइड्रोजन बोंड ठीक है ट्रिपल हाइड्रोजन बोंड जी के बीच में कितने होते हैं तीन हाइड्रोजन बोन्ड है ना और ए के बीच में डबल याद रखना ए के बीच में डबल होते हैं और जीसी के बीच में ट्रिपल होते हैं ठीक है जी के बीच में कितने होते हैं चलिए चलिए फ्लेवर सेवर ठीक है फ्लेवर सेवर इज इंजन वैरायटी हो किसकी वैरायटी है फ्लेवर सेवर किसकी एक वैरायटी है फटाफट बताएं फ्लेवर सेवर किसकी एक जेनेटिकल इंजीनियर वैरायटी है फ्लेवर सेवर किसकी एक वैरायटी होती है फटाफट बताएं फ्लेवर सेवर एक है ना किसके बीच एक वैरायटी होती है मतलब हाँ किसकी एक वैरायटी है कॉटन सोयाबीन टोमेटो ब्रिंजल ये चारों क्या है आपको मालूम है चारों वर्ल्ड के अंदर जेनेटिक मोडिफाइड क्रॉप है ये चारों है ना वर्ल्ड में इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं वर्ल्ड की बात कर रहा करूँ दुनिया में चारों क्या है जेनेटिक मोडिफाइड क्रॉप है जिसमें सोयाबीन सबसे ज़्यादा ठीक है लगाई जाती है बिल्कुल स्वाबीन का एरिया सबसे ज्यादा है लेकिन टोमेटो है ना ये क्या है टोमेटो की है ठीक है कि नहीं ये अभी राजस्थान आर में क्वेश्चन आया था इसका ठीक है ठीक है अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना कि ये किस टेक्निक से बनाया गया है एंटी सेंस आर टेक्नोलॉजी ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी राजस्थान का जो प्री पी जी का एग्जाम था उसमें एंटी सेंस आर टेक्नोलॉजी ये जो वैरायटी है किस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि जो है ना फ्लेवर सेवर कैलजीन कंपनी ठीक है चलिए टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है अगला क्वेश्चन बताएंगे ये थोड़ा स्टेटिस का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होता है स्टेटिस का कभी कभी स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस इज रेफर्स टू है ना वेरियंस किसका स्क्वायर रूट होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ना ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है द स्क्वायर रूट ऑफ द क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ द देंस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है स्टेटक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना एसडी डेविएशन की डेफिनेशन होती है ना ये बी आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बी आएगा यार आंसर एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें एक बार समझे क्वेश्चन क्या है ए जीन कैरी आउट ऑन द वाई वाइक्रोमोजोम अगर कोई जीन जो कि वाई बायक्रोमोजोम पर उपस्थित होती है एंड दे आर फॉर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर टू सन जो कि पिता से उसके पुत्र में ट्रांसफर होती है इट इज कोल्ड उसे कुछ कौन सी जीन कहते हैं ऐसी जीन जो बायक्रोमोजोम पर उपस्थित होती है ऐसी जीन ठीक है जो बायोक्रोमोजोम पर उपस्थित होती, होती है और अपने फादर से ठीक है पिता से अपने सन को जाती है ना पिता से अपने पुत्र को ट्रांसफर होती है इस प्रकार की जीन को क्या कहते हैं फटाफट बताइए अच्छा क्वेश्चन है ना ऐसी जीन जो है ना किस क्रो वायक्रोमोजम पर होती है और जो अपने पिता से पुत्र को ट्रांसफर होती है उसे क्या कहते हैं कौन सी जीन कहते हैं ठीक है याद होलो एंड्रिक कहते हैं याद रखना होलो एंड्रिक उस जीन को क्या कहते हैं होलो एंड्रिक जीन क्या कहते हैं उसे होलो एंड्रिक कहते हैं याद रखना उस जीन को क्या कहते हैं होलो एंड्रिक जीन कहते हैं क्लियर है उस जीन को क्या कहते हैं होलो एंड्रिक ठीक है क्या कहते हैं होलो एंड्रिक जीन कहते हैं क्लियर सभी को याद रखना उस जीन को होलो एंड्रिक ऐसे कौन से हैं होलो एंड्रिक जीन ऐसे कौन से हैं आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के कान पर बाल आ जाते हैं क्या आपने देखा है कभी कभी किसी के कान पर बाल आ जाते हैं है ना आपने देखा कभी कभी किसी किसी के कान पर बाल आ जाते हैं अरे देखा देखेगा बताइए कभी कभी आपने देखा है किसी किसी व्यक्ति के कान पर बाल आ जाते हैं लंबे लंबे बाल होते हैं यहाँ पर ऐसे बाल कभी आपको लड़कियों में नहीं मिलेंगे फीमेल में ऐसे बाल नहीं मिलेंगे नहीं फिर यहाँ भी थ्रेडिंग कराना पड़ेगी और खर्चा हो जाएगा फालतू में है कि नहीं वो सिर्फ है ना मेल के अंदर होता है मेल के अंदर ही यहाँ पर कानों में बाल पाए जाते हैं यहाँ पर बड़े बड़े ठीक है कि नहीं यस तो वही होलो कैरेक्टर याद रखना कान पर लंबे लंबे बाल आने एक तो वो और एक दूसरा टी डी एफ फैक्टर जी एक और होता है वाइक्रोमोजोम पर जो तुम मेल हो ना जो तुम नर हो तो नर इसके कारण तुम नर हो इस जीन के कारण तुम नर हो ठीक है कि नहीं इस जीन के कारण क्या है कोई भी जो नर होता है कि नहीं मैं नर हूं या मेल है तो इस जीन के कारण वाइक्रोमोजोम पर एक जीन होती है जिसका नाम होता है टीडीएफ जीन टेस्टी डिटरमाइनिंग ठीक है चलिए थ्रेडिंग मतलब नहीं आता आईब्रो बनवाना ठीक है जो भी बाल जो होते हैं से उनको निकलवाने थ्रेडिंग नहीं कहती ठीक है चलिए आपको बताना अगला क्वेश्चन कौन सी बकरी की एक ब्रीड है फटाफट बताइए कौन सी बकरी की एक ब्रीड है अब एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन है कल से डिमांड चल रही थी कि सर हमको एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन बताना है कौन सी बकरी की एक ब्रीड है ठीक है फटाफट बताएं कौन सी बकरी की ब्रीड है ठीक है बारबेरी होती है ठीक है बारवेरी यहां पर स्पेलिंग थोड़ी कलर है ठीक है बारबेरी या बेरारी आप समझ सकते हो ये ठीक है तो बेरारी एक्चुअली सही लगा स्पेलिंग भी सही लगी है बारवेरी भी होती है बेरारी ये कहां पाई जाती है नागपुर रीजन महाराष्ट्र के है ना नागपुर और मध्य प्रदेश के नमाड रीजन है ना नमाड रीजन में पाई जाती है ये बेरारी ये बिल्कुल कन्फर्म है ना ये तो सूअर है वाइट सूअर है।, है ना ये पेग है ये कौन है कैटल है और ये कौन है भैंस है ठीक नहीं ये तो वाफेलो है ये तो, तो सब आप जानती है ना चलिए चलिए अगला क्वेश्चन बताना है अगला मोस्ट इंपोर्टेंट मैरिनो जो कि एक मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है मैरिनो है ना विच प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द वूल बताइए मैरिनो जो है ठीक है मैरिनो जो है मैरिनो इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड विच प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग बताइए फटाफट किस प्रकार का वूल है ना वो उत्पन्न करती है मैरिनो किस प्रकार का वूल उत्पन्न करती है फटाफट बताएं मैरिनो आप जानती हैं सभी किस प्रकार का फाइन वूल है ना दुनिया का अस्सी परसेंट जो फाइन वूल होता है किससे आता है मैरिनो और मैरिनो कहाँ की है स्पेन अरे भाई कहाँ की है स्पेन की है कि नहीं स्पेन ठीक है फाइन वूल कारपेट वूल जो है आपने पढ़ा होगा चलिए जेबू क्या जेबू वाट इज जेबू है ना जेबू इज टर्म विच का मतलब क्या होता है फटाफट बताइए टर्म टू। का मतलब क्या होता है फटाफट बताएं जेबू का मतलब क्या है इंडियन कैटल इज नोन एज इन यूरोप यूरोपियन कैटल ब्रिड्स ऑफ द बफेलो और फ्लोक ऑफ सी चोकला बीकानेरी कारपेट बोल बीकानेर है जेबू का मतलब होता है इंडियन जो कैटल ब्रिड होती है उनको यूरोप में क्या कहते हैं जैबू कहते हैं याद रखना इंडियन कैटल ब्रिड को इज नोन एज जेबू इन कहाँ पर तो आंसर कहाँ पर कहते हैं इनको तो यूरोप के अंदर चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बताएं अगला ए प्रेगनेंट काउ डज नॉट कम्स इन हीट बिकॉज प्रेगनेंट काउ जो है ए प्रेगनेंट काउ डज नॉट कम्स इन हीट बिकॉज फटाफट बताइए ए प्रेगनेंट काउ जो है हीट में क्यों नहीं आती एक गर्भवती जो है कैटल ठीक है हीट में क्यों नहीं आती है ठीक है फटाफट बताएं एक प्रेग्नेंट काउ डज नॉट कम्स इन हीट बिकॉज कार्पस लूटियम इज प्रेजेंट कार्पस लूटियम इज एबसेंट ठीक है ग्राफियन फोलिकल इज प्रेजेंट ग्राफियन फोलिकल सीक्रेट प्रोजेस्टोन क्या कारण है ठीक है प्रेग्नेंट काउ जो है ना ठीक है प्रेगनेंट काउ जो है तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंट काउ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है कार्पस ल्यूटियम ठीक है याद रखें क्या प्रेजेंट होती है कार्पस ल्यूटियम ठीक है ये आंसर आएगा ना कार्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होती है जिसके कारण दोबारा से वो हीट में नहीं आती है ना चलिए अगला क्वेश्चन बताना है एवरेज फैट इन काउ मिल्क एवरेज फैट इन काउ मिल्क ठीक है काऊ मिल्क के अंदर एवरेज फैट बताना आपको काउ मिल्क के अंदर एवरेज फैट ठीक है कि नहीं बताइए फटाफट बताएं हुए है ना फटाफट पट बताएं क्या आंसर आ रहा है यहां पर सभी का बताइए आप बी आ रहा है किसी किसी का डी है ना कितना आ रहा है फटाफट बताए फटाफट बताइए तो आंसर है बिल्कुल है ना काउ जो होता है उसके अंदर काउ मिल्क के अंदर फैट है ना फोर पॉइंट टू फाइव लगभग होता है कि नहीं ये चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि बफेलो मिल्क जो होता है बफेलो मिल्क ठीक है बफेलो मिल्क इज नॉट येलोइ भैंस का जो दूध होता है पीला नहीं होता क्यों भैंस का जो है तो मंजू क्या बताएगी इसमें सभी बताएंगे भैंस जो है ना बफेलो मिल्क इज नोट है ना भैंस का दूध जो होता है ठीक है कि नहीं पीला नहीं होता क्यों क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होता है क्यों क्योंकि इसमें लैक्टोज नहीं होती क्यों क्योंकि इसमें कैरोटीन नहीं होता क्यों क्योंकि इसमें कैल्शियम ज्यादा होती है तो आंसर क्या आएगा सी आंसर क्योंकि इसमें कैरोटीन नहीं होता जो कि गाय के मिल्क में प्रेजेंट होता है कैरोटीन के कारण क्या होता है कैरोटीन है ना कैरोटीन इज नॉट प्रेजेंट अरे भाई भैंस के मिल्क में सफेद होता है क्यों क्यों सफेद होता है कैरोन नहीं होता अगर कैरोटीन होता तो स्लाइटली येलो होता है जैसे गाय का दूध होता है बिल्कुल तो भाई कैसीन तो होगा कैसीन तो प्रेजेंट प्रोटीन तो प्रेजेंट होगी कास्टिंग मतलब क्या होता है व्हाट इज द कास्टिंग ठीक है बाटर पॉफेल फोर्टी एटी होते हैं ना भाई जी सी भारती का चलेगा जी सी भारती है ना चलिए कास्टिंग का मतलब क्या होता है भाई कास्टिंग फटाफट बताएं कास्टिंग ए मेकिंग एनिमल स्ट्राइल थ्रोइंग द एनिमल ऑन द ग्राउंड ठीक है कि जानवरों को एनिमल को है ना क्या बनाना बधियाकरण करना स्ट्राइल जो होता है ना स्ट्राइल बना दें ठीक है जानवरों को जमीन पर है ना रस्सी बांधकर रस्सी लपेट कर नीचे करा देते हैं हम है ना स्ट्राइल करने के लिए आपने देखा होगा स्ट्राइल करने के लिए हम जमीन पर लेटा देते हैं नीचे है कि नहीं Securing द एनिमल ठीक है इन थ्रेविस या रेस्टरिंग इन है ना बुलक विथ रेन रोब्स फटाफट बताइए तो आंसर है जमीन पर नीचे गिराना उनको है ना तो थ्रोइंग द एनिमल ऑन द ग्राउंड कास्टिंग का मतलब चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कैस्ट्रेशन इन मेल काफ इज डन टू प्रोड्यूस अगर मेल काफ है ठीक है क्या है मेल काफ एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं मैल काफ जो है अगर आप उसको कैस्ट्रेशन कर देते हो बधियाकरण कर देते तो अब आपको इन चारों में से क्या मिलेगा इन चारों में से वो आपको क्या मिलेगा अगर आप क्या कर दोगे अगर आप किसी मेल जो है ना काफ बछड़ा जो है उसका आपने कर दिया कैस्ट्रक्शन ठीक है क्या कर दिया कैस्ट्रेक्शन कर दिया मतलब बधिया बना दिया अब उसको क्या बोलोगे आप साढ़ण को बैल बनाते इस प्रोसेस से है ना साढ़ जो होता है साढ़ साढ़ण और बैल में यही अंतर होता है ना आप समझो तो बैल बन गया कि नहीं बुलाक यस yes, बुलग बैल जो होता है कि नहीं बैल साँ जो होता है वो एग्रेसिव होता है साँ को आप खेती नहीं करा सकते ना उससे आप बैलगाड़ी में लगा दो बैलगाड़ी को बर्बाद कर देगा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो उस एग्रेन, एग्रेसिवनेस को कैसे क्योंकि इसके टेस्टीज को रप्चर कर दिया जाता है तो साढ़ बन जाता है बैल बिल्कुल है ना तो बुलक या स्टीयर भी कहते हैं इसको हम बुलक या स्टियर रहते कि नहीं अरे स्टीयर है ना ठीक है ये कैपोन कैपोन कौन होता है अपना पोल्ट्री अरे पोल्ट्री मेल जो है उसके कैपोन कहते हैं स्टेज कौन होता है स्टेज पिग स्टेज या हो पिग होता है सुअर या सुनो पिस्टेज ये बैरो ये भी है ना पिगी होता है याद रखना ये भी एक प्रकार का पिघ ही होता है गिल्ट और बरो एक गिल्ट भी होता है सुअरों के अंदर गिल्ट फीमेल को कहते हैं ना गिल्ट जो होता है ये फीमेल सुअरनी है सुअरनी जिसे अपन कहते हैं ठीक है फीमेल पिक जिसको अपन नहीं कहते हैं ये मेल पिग होता है ये भी एक प्रकार का कैस्टडी होता है और ये पिक भी टर्म यूज़ किया है ना चलिए अगला क्वेश्चन कोलेस्ट्रम व्हाट इज द कोलेस्ट्रम फटाफट बताएं कोलेस्ट्रम क्या है ठीक है बिल्कुल बरो होग स्टेज बिल्कुल सही है पुतन जी अगला बताएंगे आप कोलेस्ट्रम इज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट द ब्लड कार्पल फैट ड्राइड फ्रॉम द होग और सीक्रेशन ऑफ अर्डर जस्ट आफ्टर द काविंग क्या आंसर आएगा फटाफट बताएं बताइए भाई फटाफट क्या आंसर आएगा व्हाट इज द कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम क्या है सीक्रेशन ऑफ अडर जस्ट आफ्टर द काविंग ठीक है यही होगा भाई है ना बछड़ा देने के बाद तुरंत जो मिल्क निकलता है जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं कि नहीं किसी में भी कोलेस्ट्रॉम ब्याने के बाद दूध बिल्कुल सही है ना ब्याने के बाद जो दूध है बिल्कुल उसे हम क्या कहते हैं कोलेस्ट्रोम कहते हैं जिसके अंदर है ना अब आपको पता ना विच कौन सी एंटीजन सबसे ज्यादा होती है अगला क्वेश्चन है ना अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच एंटीजन प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रोल सबसे ज्यादा अरे कौन सी एंटीजन सबसे ज्यादा होती है? बताओ कौन सी एंटीजन फटाफट बताएं कौन सी एंटीजन खीस बिल्कुल खीस भी कहते हैं ना बताए भाई कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होती है कमेंट सेक्शन में बताएं अरे फटाफट बताइए कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होती है अल्फा ग्लोबुलिन इट इज़ नॉट एंटीजन इट इज़ प्रोटीन अल्फा ग्लोबिन नॉट एंटीजन ये थोड़ी एंटीजन एंटीजन होती है आई जी एम आई जी जी आई जी एम आई जी ए आई जी ई आई जी डी दीज आर द डिफरेंट है ना हाँ ग्लोबुलिन के टाइप कह सकते हैं ग्लोबुलिन के टाइप एक प्रकार से तो कौन सी एंटीजन तो सबसे ज़्यादा होती है आई जी ए आई जी एम आई जी जी ये एंटीजन पाई जाती है ना जो कि उसको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है याद रखना ग्लोबुलिन की होते हैं ना आई जी एम आई जी ए आई जी जी ये जो एंटीजन है ना ये ज्यादा होती है याद रखना ये एंटीजन ज्यादा होती है चलिए कोई बात नहीं मैंने बता दिया आपको आई जी ये ज्यादा होती है ना क्लियर चलिए अब क्या है हरियाणा एडियो ठीक है नहीं देखो जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश के हैं भाई अब पढ़ लो एग्जाम होगी है ना छह और सात तारीख को तो आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से अब कितने आज चौदह तारीख हो गई है अब आप पंद्रह बीस दिन है आपके पास में तो पंद्रह बीस दिन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो वो आप टेस्ट सीरीज अगर परचेस करना चाहते हो तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ परचेस कर लो अवेलेबल है ठीक है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसके अंदर लगभग सेवेंटी प्लस टेस्ट है ना सेवनटी प्लस टेस्ट है टेस्ट सीरीज़ के अंदर सी प्लस एग्रीकल्चर और साथ साथ में दूसरी चीज़ें भी है ना मतलब सी सेट प्लस एग्रीकल्चर दोनों हैं तो आप ले लो या फिर एम सी क्यू पाँच हज़ार तो आप ये ले सकते हैं दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल और जो हरियाणा है यूपी वाले हैं और आपके लिए खुशखबरी ये है धुम ध्यान से सुन लो बिहार के अंदर दो हज़ार छः सौ सड़सठ एग्रीकल्चर की पोस्ट आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर ठीक है बिहार के अंदर कितनी दो हज़ार छः सौ सड़सठ पोस्ट आएंगी एग्रीकल्चर की है ना दो हज़ार छः सौ सड़सठ पोस्ट समझ रहे हो आप आप सब लग जाओगे बिहार में ठीक है हाँ एग्ज़ाम की डेट फिक्स है ये आपके लिए खुशखबरी है कि बिहार के अंदर जो है ना दो हज़ार सौ सड़सठ सा एग्रीकल्चर की पोस्ट आएगी इधर इसके बारे में जल्दी अपन बताएंगे तुमको सारी चीज़ है ना समझ रहा हो दो हजार सौ सड़सठ पोस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप सब लग जाओगे बिहार के अंदर नहीं घबला नहीं होता लगे हैं मेरे कई दोस्त नौकरी कर रहे हैं ना ईमानदारी से ठीक है ईमानदारी से कई जॉब कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट है मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में सारी चीट है ना डिस्क चुप डिटेल जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको बता दी जाएगी तो बस आप पढ़ते रहें है ना अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं आप छः महीने पढ़ लो मेरे साथ अगर आप एक कोर्स लेके कर पढ़ो चाहोगे ना तो एग्रीकल्चर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको फिर एग्ज़ाम में कोई रोकने वाला नहीं है ठीक है कि नहीं आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगातार अपन जब यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो सभी तरह के क्वेश्चन करते हैं आप सभी तरह के कंसेप्ट जो है ये आपको जो लाइव क्लासेस लेते हैं हमारी है ना एप्लीकेशन के अंदर बिहार में कोई भी दे सकता है एग्जाम ऐसी कोई बात नहीं आप कहीं से भी हो इंडिया से है ना आप बस ठीक है चलिए आई होप आपको समझ आएगा तो अगर आप तैयारी जो फ्रेशर स्टूडेंट है ना हाँ ये भी आएगा यू का अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की अच्छे से बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं देखो भाई इतना सस्ता कोर्स इंडिया में आपको मिलेगा नहीं और इतना अच्छा है इस बात की गारंटी है इस बात की तो मैं आपको ये गारंटी दे लिख के दे सकता हूँ एक बार पढ़ने के बाद आप पूरे जीवन याद रखोगे कि सर ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा इस बात की तो गारंटी है ना एक बार आप पढ़ लिए चलिए है ना ओके फिर मिलते हैं अपन है ना कल मिलते हैं अपन आगे गुड नाइट बुक की जरूरत नहीं भाई रविंद्र सिंह है ना क्योंकि मैं अलग चीजों से पढ़ाता मैं रेफरेंस किताबों से पढ़ाता हूँ ना तो अपने जो नोट्स हैं क्लास के नोट्स हैं उनसे कुछ भी बाहर नहीं आएगा कभी ठीक है कि नहीं चलिए घूस वूस नहीं लगती रे यार चलिए फिर ओके गुड नाइट